महाराष्ट्र कांग्रेस की महिला प्रदेशाध्यक्षा संध्या ताई सवालाखे ने आज नवी मुंबई की कई महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कांग्रेस भवन वासी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सभी महिला कार्यकर्ताओं को पूरे दमखम के साथ मनपा चुनाव में उतरने और कांग्रेस की निशानी हाथ का पंजा को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नवी मुंबई के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक समेत कई पदाधिकारी खासतौर पर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस ने अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज कांग्रेस की महिला प्रदेशाध्यक्ष संध्या ताई सवालाखे ने महिला दिवस कार्यक्रम में इसका खुला संकेत दिया। वासी के कांग्रेस भवन में महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में संध्या ताई सवालाखे ने कई महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के बाद उन्हें स्वयं के बलबूते चुनाव लड़ने का आह्वान किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक भी मौजूद थे। मनपा चुनाव को लेकर महिला प्रदेशाध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मी एक या राज्याची महिला अध्यक्ष म्हणून जास्तीत जास्त महिलांना कशा तिकिटा देता येईल हे आम्ही बघू। त्याच पद्धतीने आम्ही ओपनच्या सीटवर सुद्धा 50%पेक्षा जास्त महिला कशा लढवता येईल हे सुद्धा बघू। परंतु संघटनेच्या ज्या महिला आहेत त्यांना जास्तीत जास्त तिकिटा कशा मिळतील या दिशेने मात्र आमचं निश्चित भाव। सक्षम महिला सुरक्षित महाराष्ट्र ये घोष वाक्य रहेगा और हम भी सेल्फ डिफेंस करके महिला कांग्रेस की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर रहे हैं। बताना जरूरी है कि फरवरी महीने तक कांग्रेस मनपा चुनाव महाविकास आघाड़ी दलों के साथ लड़ना चाहती थी, लेकिन नाना पटोले के नए प्रांताध्यक्ष बनते ही कांग्रेस की रणनीति बदल गई। अब नवी मुंबई कांग्रेस अकेले मनपा की 111 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। महिला दिवस के बहाने प्रदेशाध्यक्ष संध्या ताई सवालाखे ने कांग्रेस की महिला सेल की ताकत और सक्रियता का जायजा लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरते हुए पार्टी प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।